रेवाड़ी शहर में चलने वाले ऑटो चालकों की वजह से पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई हुई है। लिहाजा ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एक बार फिर ऑटो चालकों के साथ बैठक कर 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है कि या तो वो जरूरी दस्तावेज पूरा कर ले वरना ऑटो को इम्पाउंड कर लिया जाएगा। बता दें कि रेवाड़ी शहर के 5 किलोमीटर के सर्कुलर रोड पर सैकड़ों की संख्या में ऑटो चालक मनमाने तरीके से ऑटो को दौड़ाते हैं और कहीं भी सवारी बैठाते हैं और कहीं भी उतारते हैं, जिसकी वजह से शहर में जाम जैसे हालात बने रहते हैं। इसके अलावा अलग अलग रूटों पर गांवों में चलने वाले ऑटो चालक भी शहर में मनमाने तरीके से दौड़ते हैं, जिन्हें संभालना पुलिस के लिए बड़ी सिरदर्दी साबित हो रहा है। अमूमन पाया जाता है कि ऑटो चालक बिना लाइसेंस, शराब के नशे में, कम उम्र या अधिक उम्र होने के बावजूद बिना जरूरी दस्तावेजों के ऑटो को शहर में दौड़ा रहे हैं, जिससे सड़क हादसे होने के साथ साथ जाम जैसे हालात बने रहते हैं। इसलिए सिटी ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज ने ऑटो चालकों के साथ बैठक कर 7 दिनों की मोहलत दी है। सर, मैंने इनको टाइम दिया था कि दिवाली से बाद मैं आपको इकट्ठा करूंगी, इकट्ठा करके जो रूल बताए हैं इनको, सभी के पास लाइसेंस वगैरह होना चाहिए, वही रूट पे चलेंगे। ये कह रहे हैं कि कुछ ने अपना जो है दे रखे है लाइसेंस बनने, मैंने इनको 7 दिन का टाइम दिया है, आज से 7 दिन में ही मैं चेकिंग करूंगी, जिनके पास कोई लाइसेंस या कुछ नहीं होगा उसको मैं इम्पाउंड करूंगी। और जो गांव के टेम्पू हैं, जैसे नांगल चौधरी के चलते हैं, मुंडी के चलते हैं, वो अपने गांव के रूट में चलेंगे, बाकी जो सिटी वाले हैं वो सिटी सेवा में अपने एरिया में चलेंगे। ये बहुत ज्यादा इनकी तादाद होगी है, काफी टेम्पू हो गए हैं जिसमें मेरे को रोड पे मुश्किल हो रही है। इनको 1 हफ्ते का टाइम देते हैं, 1 हफ्ता इनका है, उसके बाद मेरा है। अगर जिनके पास लाइसेंस या कागजात पूरे नहीं हुए वह मैं टेम्पू इम्पाउंड करूंगी। कुछ आदमी हैं जो उम्र में एज में बड़े हैं, जिनको कुछ दिखता नहीं है, बूढ़े हैं, कई आदमी दारू पी के टेम्पू चलाते हैं, उनको मैंने इजाजत दी है कि अपना मेडिकल कराएं, अगर वो फिट है, फिटनेस है रोड पे चलने के लिए। ऑटो चालकों के साथ हुई बैठक में ऑटो चालकों ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने असामाजिक तत्व के डर से मीडिया के सामने कुछ बोलने से मना कर दिया, लेकिन ये जरूर बताया कि जब वो रात में शहर में चलते हैं तो असामाजिक तत्व उनसे अवैध वसूली करते हैं और ना देने पर मारपीट करते हैं। पुलिस का कहना है कि अभी तक उनके पास ऐसे कोई मामले सामने नहीं आए, लेकिन इन्हीं सब बातों को और ऑटो चालकों की सभी समस्याओं को उठाने के लिए उन्होंने ऑटो चालक यूनियन का प्रधान नियुक्त किया है। जबकि होती है अवैध वसूली होती है, मैंने इनको बताया अगर कोई ऐसी बात होती है, ऑटो वाले नहीं ईमानदार भी है, मेरे को इन्होंने टैची दी थी जिसमें गहने वगैरह थे, इन्होंने मेरे को इनके साथ ही खुद ही लूटपाट होती है, इनसे खुद अवैध वसूली करते हैं। आज मैंने इन्होंने एक प्रधान बनाया है, प्रधान को ये अपनी बात बताएंगे, पहले भी ये बता रहे थे कि हमारे को किसी ने मारा है पीटा है, तो इनको आज प्रधान बनाया है, प्रधान अपना इन्होंने एक सिलेक्ट किया, अगर कोई बात होगी वो मुझे बताएंगे, ऐसी कोई बात। बहरहाल मनमाने तरीके से और बेलगाम शहर में दौड़ने वाले ऑटो चालकों पर एक बार फिर शिकंजा कसने की तैयारी है, जिनके लिए 7 दिन की मोहलत दी गई है। ऐसे में देखना होगा कि क्या बेलगाम ऑटो चालकों पर पुलिस शिकंजा कस पाती है, क्योंकि सवाल ये कि हर बार केवल बातें की जाती है लेकिन सड़क पर काम नज़र नहीं आता।